निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रिया जरूर साथ के साथ देते रहें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर साथ के साथ आप देते रहें, इससे हम सभी जुड़े रहें। देखो, सबसे पहले मैं आज को बताया, आज अपने एक बुरा दौर चल रहा है, आज कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप सभी लोग यहाँ आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वरना आजकल कोई घर में भी अपनी नहीं सुनता है। इसलिए मैं अब शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेरा वंदन माँ सरस्वती के चरणों में, माँ सरस्वती को मैं नमन करता हूँ और आगे शुरुआत करता हूँ। इस प्रकार से आज हम जुड़ रहे हैं काव्य पाठ से, इसलिए सभी जो भी साथी नहीं जुड़ पा रहे हैं वो जुड़ जाइएगा। विनोद जी गुर्जर साहब, राजस्थान पुलिस, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप जुड़े। इसी प्रकार भी और साथी भी जुड़ते रहिए, अब प्रत्येक कमेंट्स में देख रहा हूँ आपकी। अब मैं माँ सरस्वती को, माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए अपने इस काव्य धारा को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं सभी अतिथियों को इस पेज को एक मंच के माध्यम से स्वागत करते हुए, एक मंच का प्रतीक देते हुए मैं आपके बीच में कुछ शुरुआत शुरू होने का प्रयास कर रहा हूँ। किस आए हैं अतिथि सब, कि आए हैं अतिथि सब मंच पे विराजमान, इनके लिए फूलों भरी डालियां सजाई, कि आए हैं अतिथि सब मंच पे विराजमान, इनके लिए फूलों भरी डालियां सजाई हैं, आत्मा से मान कर दिल से समान कर, इनके लिए फूलों भरी डालियां सजाई हैं, और माँ सरस्वती का भी रूप निकल जाए यारो, और माँ सरस्वती का भी रूप निकल जाए यारो, हीरो जड़ी कानों बीच बालियां सजाइए, और भ्रष्ट नेताओं की नींद उड़ जाए यारो, एक बार जोरदार ताली तो बजाइए, एक बार जोरदार ताली तो बजाइए। अब सबसे बढ़िया काम मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा का मंच है, और आज मुझे, मैं गौरवान्वित हूँ कि आज मुझे इस मंच के माध्यम से जगह, आप लोगों ने जगह दी। देवेंद्र सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के तहत ये कार्य करते हैं, ये टॉप में अपना संस्थान चल रहा है, काफ़ी संस्थान में इनमें ट्रेनिंग भी ले रखी है, स्वाय माधुपुर डाइट में जब वेस्टिस कर उसमें ट्रेनिंग भी ली इसके अंदर। अब मैं बताना चाहता हूँ कि अपने मंच के माध्यम से किस प्रकार, अपने कौन आज की इसमें कौन क्या हो रहा है सुनेगा। शिक्षा के मंच से पावन कोई मंच नहीं हो सकता है, कि शिक्षा के मंच से पावन कोई मंच नहीं हो सकता है, बच्चे पढ़ लिख जाए इससे बढ़कर कोई कर्म नहीं हो सकता है, बच्चे पढ़ लिख जाए इससे बढ़कर कोई कर्म नहीं हो सकता है, ईर्ष्या पर दुख से दुनिया में कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, ईर्ष्या से पर दुख से दुनिया में कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, कर लो प्रेम देश से इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं हो सकता, कर लो प्रेम देश से इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद गुजर रोम नारायण जी चार साहब जुड़े हुए हैं, और भी कई साथी जो भी नए जुड़े हैं हमारे से जुड़िएगा, ताकि हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कट कट के आवाज़ आ रही है तो एक बार बताइएगा मुझे कमेंट में कि आवाज़ बिल्कुल आ स्पष्ट आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। हाँ साथियों, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब मेरी लेखनी, कि मुझे माँ सरस्वती का वरदान मिला है, मैं लेखनी को अपने हाथों में लिया है, किसी के हाथों में खंजर है तो किसी के हाथों में पेन है, किसी के हाथों में किसान की कुदाली है तो वो भी जीवन यापन करता है, मुझे माँ सरस्वती ने मुझे लेखनी दिया है, इसलिए मैं मुकेश जी जचियार का बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े पेश से, और मुझे भगवान ने, माँ सरस्वती ने लेखनी दी है, तो मैं अपनी लेखनी से क्या अपेक्षा करना चाहता हूँ सुनेगा। चार चार लाइनों में आपसे कहने की बात करता हूँ, कि मेरी लेखनी लिखती रहे जवानों की हर कहानी को, कि मेरे दम तक, मेरे सीने में, मेरे भारतवासी के प्रत्येक दिल के अंदर अपनी सेना के लिए, अपने देश के लिए प्रेम होना जरूरी है। इसी चार पंक्तियाँ मैं लेखनी से उम्मीद करता हूँ और सुनेगा। सूरज मेघवंशी जी आप जुड़े, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। कि मेरी लेखनी लिखती रहे जवानों की हर कहानी को,
झूठ को झूठ लिखूं, लिखूं सच की हर कहानी को। अकाल मृत्यु मुझे मिले, अकाल मृत्यु मुझे मिले, उसका कोई पश्चाताप नहीं। मेरी लेखनी इतना लिख जाए कि मिटा दे भ्रष्टाचार की हर कहानी को, मिटा दे भ्रष्टाचार की हर कहानी को। साथियों बताइएगा, और भी जो साथी नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा, क्योंकि अपने आज ही आपको पता है कि न्यूज़ देख रहे होंगे सभी लोग, और न्यूज़ में बड़ा घमासान मचा हुआ है। राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है, इसके सभी लोग न्यूज़ में लगे नहीं, फिर भी आप सभी जुड़ रहे हो। रूप नारायण जी गुजरत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप उनसे जुड़ रहे हो। इस वीडियो को आप शेयर करो ताकि और सभी साथी भी जुड़ सकें। मैं अपने यहाँ काव्य पाठ को आगे करता हूँ। देवेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर देवेंद्र जी सर कहीं हैं, अगर देख पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि देवेंद्र जी सर कहीं बिजी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। सूरज मेघवंशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल, आप भी एक शिक्षा के मंच पर काम कर रहे हो, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, प्रदान करता हूँ। अब मैं छोटे छोटे बातें, छोटे छोटे चुटकुलों के माध्यम से, अपने हास्य कविताओं के माध्यम से आप सभी से जुड़ना चाहता हूँ। तो सुनिएगा कि एक बार एक नेता जी, मैंने कह दिया क्योंकि आजकल नेताओं का बहुत बड़ा काम हो रहा है, देश में नेता है जहाँ सब कुछ है, कि नेता आन है, नेता बान, नेता आन है, नेता शान है, सब कुछ नेता है, पर इनको समझाए कौन की सबसे बढ़कर भारत माता है। अगर भारत माता की आप जय जयकार नहीं करोगे तो आपकी कोई बड़ी बात नहीं हो सकता, इसलिए सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम है। तो एक मैंने अब हास्य की दो चार पेरोडियाँ आपके बीच में देता हूँ। स्वागत साहब देवेंद्र जोशी जी की। एक नेताजी, मेरी हास्य कविता का मतलब कि आपके चेहरे में मुस्कान आ जाए, अगर एक भी चेहरा मुस्का जाता है तो मेरे दिल की हजारों नदियां पार हो जाती है। सुनिएगा कि एक नेताजी अपने घोड़े को इधर से उधर घुमा रहे थे मैंने पूछ लिया ऐसे ही कि सर इस गधे को कहाँ घुमा रहे हो, जितना में नेताजी चढ़कर आए मेरे ऊपर हाथापाई पे आए और मुझसे पूछा, तू घोड़े तू गधा किसको कह रहा है, ये तो घोड़ा है। मैंने भी अपना जवाब सीधे शब्दों में दे दिया कि आपसे कौन पूछ रहा है। अगर समझ गया होगा तो बताइएगा। मैंने भी कह दिया कि आपसे कौन पूछ रहा है, तो ये तो अपनी बात बात का फर्क है। सुनेगा, एक नेताजी ऐसे अपने गांव में आ गए। नेताजी आज के आज आपको पता है नेताजी बहुत हावी हुए हैं। गणेश जी गुजर साहब निम्बाड़ा अध्यापक पद वर्तमान है, आपके कार्य से बिल्कुल आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एक बार कहूँगा, नेताओं के नेता है जब कुछ है, कि हमारे पिछले दिनों की बात है, जब मैं गांव में रहता था, मैं गांव का आदमी आपको बताए, और मैं जाति से आपको बता दूँ, गुजर हूँ, और गुजर तो जाति के भोले हैं साहब, कि गुजर एक जाति नहीं प्रजाति है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आजकल पाई जाती है, वैसे इनका मुख्य व्यवसाय भेड़ चराना और गाय का दूध बेचना है, लेकिन आजकल ये रेल की पटड़ियाँ उखाड़ने में काम मिली जाती है। ये साहब गुजर जितना बोला आदमी तो आपको मिलेगा नहीं। रूप नारायण जी गुजर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथी बताते रहे कमेंट में कि किस प्रकार से मेरा काव्य पाठ लग रहा है। आगे देखिएगा कि एक बार नेताजी ने हमारे गांव में आगे साहब प्रचार, अब नेताजी तो आपको पता है हमें हाँ मिलाना पड़ता है क्योंकि जनता का साथ लेना है, लेकिन हम तो कहते हैं एक बात मैं और बता दूं, मैं राजनीति के किसी भी पाले में खड़ा नहीं हूँ, मैं अपने कर्मों से हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ तो शिक्षक के साथ व्यवहार करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति मेरे जूतों की, कि राजनीति मेरे पैर की जूती है, और साहित्य मेरा सर का ताज, मैं जब भी मंच पे चढ़ता हूँ जूती नीचे उतार के चढ़ता हूँ। वो भी सुनेगा तो नेताजी आगे तो हास्य से जुड़ते हैं, हास्य का स्वागत है अपने पास, तो कि लोग खुश रहो, क्यों जिस जिसने हंसा उसका घर बसा, कि जिसका घर बसा बताओ फिर वो कब हंसा। आप समझ गए होंगे, लाइक करेगा और कमेंट में बताते रहेगा, और भी साथियों को जोड़िएगा। तो इसी प्रकार से घर गांव में आगे साहब नेताजी तो गांव के बड़े बुजुर्ग आदमी ने कहा कि साहब अपने हेडपंप नहीं है, कि घर घर में हेडपंप लगवा देंगे। नेताजी की तो भाई मानना पड़ेगा, बात उनको कहना पड़ेगा। एक बुजुर्ग आदमी ने आके कह दिया, जय सिंह जी गुजर साहब हमारे से जुड़ गए हैं, डोई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके बहुत बहुत आभारी हैं आज हमारे वैसे। वो भी लाइक करेगा, शेयर करेगा, जोड़ेगा, हम आगे बढ़ते हैं। अब किसी बिना किसी भूमिका के मैं अपने काव्य पाठ को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि आज सभी लोग जुड़े, इसलिए बहुत बहुत आपका आभारी रहूँगा मैं।
चलो मैं आगे आप कहता हूँ कि जैसे ही उन्होंने कहा कि साहब गांव में रोड नहीं है, तो नेताजी ने कह दिया कि घर घर में घर घर के बाहर रोड बनवा देंगे। तो एक बुजुर्ग आदमी ने कहा साहब गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, नल की, तो घर घर में नल लगवा देंगे। तो गांव में खेल कूद का मैदान नहीं, घर प्रत्येक बाड़े में खेल का मैदान बना देंगे। ऐसे एक बुजुर्ग आदमी आ गए, उन्होंने कहा साहब बरसात के मौसम में परेशान होते हैं, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शमशान में उस पर चद्दर नहीं है। तो नेताजी का कहना क्या, कह दिया कि घर घर में शमशान बना देंगे। तो ये अपने नेताओं के, अच्छा आपको अच्छा लगे शेयर करिए बताइएगा। इसी प्रकार मैं अभी एक दो छंद आपके बीच देता हूँ। भगवान रामदेव ने छंद लिखा, सुनेगा कि राम जी के देश में ही राम जी पराए हुए, कि राम जी के देश में ही राम जी पराए हुए, कैसे छंद तुम्हें मैं तो राम के सुनाऊं जी। सुनेगा शब्दों पे गौर कीजिएगा कि राम जी के देश में ही राम जी पराए हुए, कैसे छंद तुम्हें मैं तो राम के सुनाऊं जी। राम जी के देश में ही राम जी पराए हुए, कैसे छंद तुम्हें मैं तो राम के सुनाऊं जी। निर्भय सी बेटियों को नहीं मिला न्याय अब तक, कैसे छंद तुम्हें सीता के सुनाऊं जी। और भाई भाई का बने बेटा है कसाई, कि भाई भाई का बने बेटा है कसाई, कैसे छंद तुम्हें मैं तो लक्ष्मण के सुनाऊं जी। और सभी पार्टियां आज बन चुकी है भ्रष्टाचार का अड्डा, कैसे अटल इंदिरा के छंद तुमको सुनाऊं जी, कैसे अटल इंदिरा के छंद तुमको सुनाऊं जी। कि मैं जो सत्य होगा उसका स्वीकार करेंगे, सत्य के साथ है, क्योंकि सत्य के साथ कभी कि सत्य को आप परेशान कर सकते हो लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। हम भारत देश के वासी, देश की गाएंगे और देश का ही काम करेंगे। अब सुनेगा एक दो मुक्तक और मैं आपके बीच में रखता हूँ, सुनेगा। आजकल भारत माता के कई लोग होते हैं सैनिक, आज सबसे बड़ा कर्म है तो सैनिकों का है, कि सैनिकों के प्रति में चार पंक्तियां आपको बताना चाहता हूं। कि जो ना डरे कभी किसी से, कि जो ना डरे कभी किसी से हमको उन पे गर्व है, कि जो ना डरे कभी किसी से हमको उन पे गर्व है। बर्फीली पहाड़ियां थी जिनका बिस्तर, हमको उन पे गर्व है। कि हर किसी को नहीं नसीब में तिरंगा, ये तो उनका कर्म था, जो कर्म को अदा करते हुए सो गए, हमें उन पे गर्व है, हमको उन पे गर्व है। ये भारत माता है, इसकी से बिल्कुल जगत गुरु जी मोड़ा, आप हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और सुनेगा ये बार सैनिकों की गाएंगे और हम तक मेरे अंत तक मुझे श्रृंगार, मुझसे दोस्तों मुझे श्रृंगार नहीं लिखा जाता है। जब जब भी मेरे देश की परिस्थितियाँ होती हैं, अगर मैं श्रृंगार लिखने की कोशिश करता हूँ तो मेरी लेखनी मना कर देती है कि नहीं लेखनी, तुझे श्रृंगार नहीं लिखना है, भारत माता के लिए जीना है, देश के लिए जीऊँगा और देश के लिए मरूंगा। सुनेगा आगे और मैं आपके साथ चार चार पंक्तियों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर मेरी किसी प्रकार में आवाज में कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे बताइएगा, एक बार बताइएगा कमेंट करके, किसी कोई भी साथी की बिल्कुल सही आवाज आ रही है आपकी कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं अपनी रफ्तार से चलता रहूं। चलो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। अपने देश में कई वीरांगनाओं के बॉर्डर पे सैनिक शहीद हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं उनको एक, हमें कहना तो नहीं था, उस न्यायालय का न्याय हाई कोर्ट के अंदर जिला कोर्ट में एक वकील ने कहा था कि साहब सैनिकों को श्रद्धांजलि देने चलते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है। जब ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे अब मैं कहाँ पर कर रहा हूँ, तो फिर देश का क्या होगा। देश के लिए तो आपको जीना पड़ेगा। सुनेगा कि कब तक तिरंगे में लौट कर वीर जवान आएंगे, कि कब तक तिरंगे में लौट कर वीर जवान आएंगे, वीरांगनाओं के हृदय से आंसू आएंगे, अरे वीरांगनाओं के हृदय से आंसू आएंगे, अरे जब तक पाक चाइना हमसे आंख न मिला पाए, कि जब तक पाक चाइना हमसे आंख न मिला पाए, सुनो देश के प्रमुखों को उस दिन अच्छे दिन आएंगे। इसी प्रकार अपने अच्छे दिन आएंगे, जब तक अच्छे दिन नहीं आ सकते। और भी सुनेगा अब एक दो मुख तक, मैं थोड़ा गाने की कोशिश करता हूँ, इस गाने का मेरे को अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी साथी जुड़ रहे हैं, आपका प्यार है जो आपके बीच में आ रहा हूँ, वरना मेरा आज देवेंद्र जी से मेरी बात हो गई थी, लेकिन आप सभी साथी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा है। इसको शेयर कर दिएगा वीडियो को, ताकि साथी और साथी भी जुड़ सके। सुनिएगा कि तिरंगा आन है मेरी, तिरंगा शान है मेरी, थोड़ा नया करने की नई अलग प्रकार की व्यक्ति से मैं बताना चाहूँगा कि तिरंगा आन है मेरी, तिरंगा शान है मेरी, रंगों के रंग में घुल गए लेकिन केसरिया जान है मेरी, रंगों के रंग में घुल गए लेकिन केसरिया जान है मेरी,
अटल नेहरू इंदिरा और गांधी, अटल नेहरू इंदिरा और गांधी, सबको ही तरासा मैंने, मगर भगत असपाक ही मगर भगत असपाक ही अमिट पहचान है मेरी, मगर भगत असपाक ही अमिट पहचान है मेरी। सुनेगा और भी आगे कि प्रेम की इस नदी में मैं अपनों को भिगो लूंगा। सबसे बड़ा जीवन में है तो प्रेम है, प्रेम से जो कार्य हो सकता है वो बिल्कुल हो सकता है। प्रेम आदमी को जीना चाहिए, क्योंकि प्रेम 100 साल, देखो कोई कहते साहब पाकिस्तान कोई विषय नहीं है अपने लिए। प्रेम हम प्रेम पे लिखते हैं, भारत देश पे लिखते हैं, क्योंकि प्रेम 100 साल पहले था, प्रेम आज भी है और आगे भी रहेगा। पाकिस्तान 100 साल पहले नहीं था, आज है कल, आप सभी जानते हो। तो इसलिए और भी साथी जुड़ रहे हैं मेरे कि प्रेम की इस नदी में मैं अपनों को भिगो लूंगा, हर पत्थर की मूरत में ईश्वर को बसा लूंगा, मेरी आवाज ही मुझको नया रंग रूप देती है, मिला जो प्यार दिलों में तो वाणी को समंदर बना लूंगा, मिला जो प्यार दिलों में तो अपनी वाणी को समुंदर ही बना लूंगा। इसी प्रकार जुड़े रहेगा। अब एक कविता जो वीर रस पे थी, भारती के लिए मैंने लिखी, उस सभी को साथियों आवाज आ रही है, एक बार बताइएगा मेरे को, एक कमेंट कर दीजिएगा कि मेरी आवाज़ सही प्रकार से आ रही है। एक बार आवाज बता दीजिएगा ताकि मैं आगे कर सकूं थोड़ा प्रयास। महावीर जी गुजर साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और भी साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, अगर हो सके शेयर करो ताकि वो सभी साथी जुड़ जाएं। और आपके छोटे भाई का जो अभी काव्य की दुनिया में प्रथम सीडी पे मैं चल रहा हूँ, इसलिए मुझे हौसला मिले, आप सभी के कमेंट मेरे उत्साहवर्धन होंगे। सुनेगा अब एक छंद सुनेगा, भारत माता भी लिखेंगे, देश के सैनिक को भी लिखेंगे कि भारती के कर्ण हो तुम सब, भारती पे तन मन वार दीजिए, कि भारती के कर्ण हो तुम सब, भारती पे तन मन वार दीजिए, लोकतंत्र पर करे जो बार बार घात। सुनेगा शब्दों को समझिएगा कि भारती के कर्ण हो तुम सब, भारती पे तन मन वार दीजिए, लोकतंत्र पर करे जो बार बार घात, ऐसे लोगों को बेघर कर दीजिए, और बेटियों ने बढ़ाया सदैव मान सम्मान, उन गंदी आंखों को अब नोच दीजिए, और एक भी जुबान बोले यदि देश के खिलाफ, राम की कसम जबान उसकी काट दीजिए, राम की कसम जबान उसकी काट दीजिए। और भी सुनेगा, स्वागत बिल्कुल नीरायना जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत है। अगर देवेंद्र जी सर से मैं कहना चाहूंगा, अगर समय की पाबंदी हो तो मुझे बताइएगा, वरना हमारा थोड़ा चलने वाला है, 45 मिनट का आपने समय दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट में बताएगा कि कंटिन्यू शब्द लिख के बताएगा कि मैं चलता रहूं, ताकि आपके प्रोग्राम में भी जिस प्रकार के नियम है, कायदे कानून है, बाध्यता इस प्रकार की हो सकती है, मुझे पता नहीं है। अरे देवेंद्र जोशी जी जहाँ सुन पा रहे हो तो बताइएगा थोड़ी कमेंट करके। दिलखुश योगी मंडालिया, बहुत मोडालिया, बहुत बहुत स्वागत आपका भैया, आप आए हमें इसलिए। अब सुनेगा एक, या तो वीरों के वीर हुए हैं, माणा प्रताप जैसी धरती में हम कार्य, हमें अभी मैं यहाँ प्रतापगढ़ में कार्य कर रहा हूँ, माणा प्रताप की भूमि है, इलाका मेवाड़ का है, इससे हमें तो बहुत खुश है। माणा प्रताप महान हुए उसको सब जानते हैं, उसको उसके कोई परिचित अपने को परिचित देने की आवश्यकता नहीं। उसी पर एक 4-5 लाइनें मैंने लिखी है, सुनेगा कि वो अकबर की कोठी नहीं। सुनेगा सभी साथी, दिलखुश योगी मोडाड़ी, गुड, वेरी गुड, शानदार, आपने बहुत अच्छा स्वागत किया। कि वह अकबर की कोठी नहीं, चंदन की माटी थी, महाराणा प्रताप को समर्पित 4 लाइनें बता रहा हूँ। कि वह अकबर की कोठी नहीं, चंदन की माटी थी,
पुत्र दान किया जिसने वह पन्ना दाई की छाती थी, और मान सिंह जैसे गद्दारों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जिसने कि मान सिंह जैसे गद्दारों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जिसने वह और नहीं चेतक के असवार की मर्दानी छाती थी, वह और नहीं चेतक के असवार की मर्दानी छाती थी। माणा प्रताप को कोई नीचा नहीं दिखा सकता। कहीं आए राजा राज करके चले गए, लेकिन महाराणा प्रताप हमें देश के जो प्रमुख थे, अगर हमें किसी ने हराया तो जय चंदो ने हराया है। इसके अलावा हम राजस्थान की धरती से और सुनेगा। आजकल लोगों में बहुत घमंड हो गए, घमंड संसार में अहम किसी को नहीं टिकता है। अगर मुझे आज अहम है तो कल मेरा भी बिल्कुल त्रसनाश हो जाएगा। अहम जो व्यक्ति कर लिया उसका कोई नहीं होगा, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। अहम किसी प्रकार का व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। कर्म की पूजा होती है, कार्य की पूजा होती है। आप कार्य करते रहेगा, जमाना आपको बदलता रहेगा। मैं एक ही विश्वास करता हूँ, कर्म ही पूजा है, ये मेरा मुख्य है। बिल्कुल योग्य मोडाड़ा जी आप जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद भैया। सुनेगा, जो लोग घमंड करते हैं, मैं नहीं कह रहा कि कौन लोग घमंड करते हैं, जो लोग घमंड करते हैं चाहे कोई हो, उस घमंड को मैं चार बातें करके बताता हूँ, चार लाइनों के माध्यम से उस घमंड पे मैं पर्दा डालता हूँ। सुनेगा साथियों, कमेंट करते रहेगा। अगर आपके कमेंट आते रहेंगे तो मुझे विश्वास है आप एक बार मुझे कमेंट दीजिए, मैं आपको उसको दुगने उत्साह के साथ आपके साथ कविता प्रस्तुत कराऊंगा, आपके कानों के जरिए दिल में उतरने का प्रयास करूंगा। सुनिएगा, जो व्यक्ति घमंड करते हैं उनकी देखना, उनके चार लाइनें कि हल्की सी मुस्कुराहट को नादानी समझ बैठे, कि हल्की सी मुस्कुराहट को नादानी समझ बैठे, दौलत की हवा को धन की आंधी समझ बैठे, कि दौलत की हवा को कि हल्की सी मुस्कुराहट को नादानी समझ बैठे, दौलत की हवा को धन की आंधी समझ बैठे। कैसे समझाऊं मतलबी लोगों को यारों, जो मिला साथ दरिया तो खुद को समंदर समझ बैठे, जो मिला साथ दरिया को तो खुद को समंदर समझ बैठे। तो इस प्रकार से अपने को नहीं करना है। और भी और मैं बताऊँ, मैं बहुत लक्की आदमी हूँ, थोड़ा हास्य की तरफ जोड़ता हूँ मैं इससे। मेरा मेल देखो, मैं कवियों में ये नहीं कहता मैं विदेश का कवि हूँ, क्योंकि कविता का प्रकार हो सकता है। बड़े कवि भी अगर देख रहे हैं मेरी इस बात को तो सुनेगा, विचार करिएगा कि कवि किसी भी कोई कवि का कोई भेद नहीं होता है वीरस संघारस। कवि की केवल कविता अलग हो सकती है, कवि के भाव विचार इसे जरूर नहीं है। कि अगर वह वीरस की ओर बढ़ रहा है तो उसमें श्रृंगार के गुण नहीं हो सकते, वो श्रृंगार की ओर बढ़ रहा है तो उसमें हास्य के गुण नहीं हो सकते। मेरे अंदाजे में मैं मानता हूँ कि कवि सिर्फ कवि होता है, बाकी सिर्फ कविताओं का प्रकार अलग अलग हो सकता है। इसलिए मैं तो आपको बताऊँ, मिला जुला कवि हूँ, जाति से गुजर हूँ, आप सभी जानते हैं, भोले हैं, भोले भोले पर में अपना काम करते हैं। किसी से अपन आप समझ रहे हो उस बात को, पूरा राजस्थान जाता है गुजरों को, तो भाई कितने भोले हैं। रेलवे विभाग से तो हमारा खासा संपर्क रहा है। सुनिएगा आगे और बताऊंगा मैं, कि जैसे ही मैं अब एक पति पत्नी के बीच में छोटी सी हास्य आपके बीच में देना चाहूँगा, और मैं आपसे जुड़ूंगा। साथ ही आप कमेंट करते रहिए, मुझसे जुड़ते रहिएगा। अगर आवाज़ नहीं आ पा रही है तो बताइएगा, मेरे साथी हैं जो साथ बैठ के सुन रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, वो भी बताइएगा कि किस प्रकार मेरी आवाज़ आ रही है। स्वागत से स्टार्टिंग कंटिन्यू लिख के बता दीजिएगा। सुनिएगा कि एक पति जैसे ही भोजन करने को बैठा तो पत्नी से बोला कि लाओ, वो सुबह का समय था, 10-11 बज रहे थे, तो उसने कहा कि लाओ लंच कर लेते हैं, मेरा लंच बॉक्स लेके आओ। तो पत्नी ने आकर उसको कहा कि लो ये लो डिनर कर लो। कि बेवकूफ तुझे पता नहीं है कि सुबह के भोजन को लंच करते हैं और शाम को भोजन को डिनर करते हैं। तो पत्नी का जवाब आया, चुपचाप खा ले, ये रात का ही बचा हुआ। बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी आज प्रस्तुति। एक अभी कोरोना काल के 2-4 बातें इस प्रकार से हुई अपनी, कि उसमें अपने को देखना पड़ेगा, कोरोना काल में बहुत सारे डायलॉग्स आए, बहुत सारे हमारी मेरे द्वारा भी लिखे गए, किस प्रकार साथियों से भी मिले। सुनेगा, अगर आपको हंसी आए तो आप हंसी को रोक मत पाना, और हंसी आप में देख तो सकता नहीं आपको, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। कि एक प्रधानाध्यापक ने अध्यापक जी को फोन कर दिया, मेरे गुरु जी प्रधानाध्यापक जी देख रहे हो, मेरे स्टाफ साथी भी देख रहे हो, तो जरूर बताइएगा। कि एक प्रधानाध्यापक जी ने अध्यापक जी से कहा कि मैंने आपको कल फोन लगाया था, आपका फोन आपकी पत्नी ने उठाया और बोला कि वह अभी खाना बना रहे हैं, तो फिर बाद में आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया।
अभी प्रधान अध्यापक ने कहा कि आपकी पत्नी ने फ़ोन उठाया और उन्होंने बोला कि वो अभी खाना बना रहे हैं, तो आपने वापस फ़ोन क्यों नहीं कहा? तो अध्यापक ने बोला कि मैंने किया था सर फ़ोन आपको, कि मैंने किया था सर फ़ोन आपको जब आपकी पत्नी ने उठाया तो वो बोले कि आप कपड़े धो रहे हैं। तो ये तो जैसे का तैसा है भैया, सबका हाल ऐसा ही था। वो भी आगे देखेगा। एक बार हमारे विद्यालय में पोशाक प्रभारी जी चेक करने आ गए साहब। अब पोशाक प्रभारी जी चेक करने आए तो जैसे उन्होंने पूछा कि बच्चों को फल खिलाते हो? उन्होंने कहा अफसर बिल्कुल फल खिलाते हैं बच्चों। तो कौन सा फल खिलाते हो? उन्होंने आज क्या खिलाया? मैंने कहा आज खजूर खिलाया बच्चों को। तो जितने में लाल गुस्से में हो गए साहब और बोले कि ये कौन सा फल है, खजूर भी भूले क्या? तो मैंने धीरे से जवाब दिया कि सर या तो आप गलत हो या फिर तुलसीदास जी गलत थे। कि वो कैसे? कि तुलसीदास ने कह बड़ा भैया तो क्या भैया जैसे पेड़ खजूर, कि बड़ा भैया तो क्या भैया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न दे फल लागे अति दूर। तो ये तो देखो ये तो आप गलत है, हम गलत, हम तो हमारा काम कर रहे हैं साहब। और भी देखेगा, अब ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि समय की पाबंदी है, साथी भी जुड़ नहीं पा रहे हैं पूरे की। आज आपको बताया टीवी चैनलों में न्यूज़ चल रही है, उसके बारे में अपन कुछ नहीं कहेंगे। अब आगे देखेगा। और मैं तो आपको बता दूँ, मैं बहुत लक्की आदमी हूँ, मैं तो इतना लक्की आदमी हूँ कि मुझसे कोई राय ले ले। रूपनारायण जी चार बहुत बहुत स्वागत भैया। और मैं आपको बता दूँ, मैं तो इतना लक्की आदमी हूँ कि मैंने बहुत बहुत सारे जिस मंत्री को मैंने मुख्यमंत्री को, जैसे कर्नाटक मुख्यमंत्री जी बने, मैंने उनको शुभकामनाएं दी कि बहुत बहुत स्वागत हो आपका, आपकी सरकार लंबी चले, लेकिन नहीं चल पाई, बाद में अटक गया मामला। फिर मैंने मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, कमलनाथ जी की सरकार बनी, मैंने उनको भी बिल्कुल कहा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मैंने जिस जिसको शुभकामनाएं दी तो उनका भी थोड़े दिन सरकार नहीं चल पाई, बाद में हम क्या कर सकते, शुभकामनाएं दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने गहलोत साहब को भी, मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब को भी बधाई दी है। अब आगे तो ईश्वर की कृपा है, जो भी होगा अपन तो सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास। अपन तो आपने पहले कह दिया, अपन तो सीधे साधे आदमी, गुजर जाति से बूढ़े आदमी। अब सुनेगा आगे। और मैं एक मूलभूत कविता देवेंद्र जी से मेरा निवेदन है कि अगर समय की अगर कहीं पाबंदियां हों तो सर मुझे माफ़ करिएगा, और आप बता दीजिएगा किस प्रकार से आपका ये लग रहा है मेरा काव्य पाठ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक बार थोड़ा कमेंट करके बताएं मेरे को, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ सर। और भी मेरे कई साथी जुड़े हुए हैं, बताइएगा। बिल्कुल कोई बात, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सबके कमेंट्स में नहीं बढ़ पा रहा, इस प्रकार से मैं और आगे। आपका स्वागत है सभी का, सुनिएगा। अब मैं एक कविता और है पढ़े, उससे पहले मैं एक छोटी सी कविता जो मैंने लिखी अपना जो महेंद्र कुमार जी डीके नाइस महेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत। और मैं एक कविता जो अपना कंघा होता है, बालों में कंघा डालते हैं अपन, उस कंघे पे मैं निर्जीव अवस्था को देखते हुए एक मेरी कविता लिखी है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जितने भी प्रकार की कविताएं मेरी मूलभूत कविताएं हैं, ये है कि मुझे मंच के माध्यम से, मैं अधिक मंचों पे मैंने सफ़र नहीं किया है, एक दो फिलहाल मंच मैंने किए हैं, और शिक्षा विभाग के कई जो कार्यक्रम होते हैं उनमें मैंने अपने प्रत्यक्ष दिखाई है। अगर आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करते रहेगा, याद किएगा। अब मैं वो हास्य कविता जो आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके पश्चात मेरी एक कविता वीर रस की कविता है जो जम्मू कश्मीर की घाटी पर निर्धारित है, वह कविता मैं आपको सुनाऊंगा और उसके साथ में अपना समापन होगा, सुनेगा। कविता का शीर्षक है कंघा मेरा यार। कि अपन बालों में कंघा डालते हैं तो मैं एक कंघा रखा करता तो घर रह गया, और मैंने उसके बारे में बैठे बैठे विचार किया तो मन में कई प्रकार के भाव आए। महेंद्र कुमार जी डीके बहुत बहुत स्वागत आपका भैया। और तो उस कंघे के और मेरे बीच में जो वार्तालाप हुआ उसी भी मैंने एक कविता बनाई है, आपको अच्छी लगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लगे तो भी बहुत बढ़िया बात है, सुनेगा। कि जो ही लगाने लगा मेरा कंघे, मेरा जो बालों में कंघा डालते हैं उसके मेरे बीच में संवाद हो रहा है, गहनता देखेगा विचारों की बात है, गहन कहाँ तक मैं अगर पहुँच पाया हूँ बताइएगा आप। कि जो ही लगाने लगा मैं अपने कंघे को हाथ, कि जो ही लगाने लगा मैं अपने कंघे को हाथ,
वो बहुत निराश था आज मेरे साथ कि जो ही लगाने लगा मैं अपने कंघे को हाथ, वो बहुत निराश था आज मेरे साथ। मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैंने कहा क्या हो गया भाई, तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि आप थे तो हम बहुत खुश हुआ करते थे, क्योंकि तुम शिव रूपी जंगल में सिर्फ एक बार ही घुमाया करते थे, कि तुम शिव रूपी जंगल में केवल एक बार ही घुमाया करते थे। आपके जाने के बाद देखो सोना सा लगता है ये ताक, और उखड़ने लगे हैं मेरे दांत, दिन हो गए हैं सारे काम, कि उखड़ने लगे हैं मेरे दांत, दिन हो गए हैं सारे काम। कल माजी ने, अब देखो उस कंघे की प्रताड़ना पीड़ा ही सुनेगा और देखिएगा, और साथ ही बताते रहे, मेरे सभी साथी जो आसपास मुझे देख पा रहे हैं बताते रहे कमेंट के माध्यम से, सुनेगा कि कल माजी ने कविता के बीच में, साथियों में अगर किसी का जवाब नहीं दे पाऊँ तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि कविता में पूरी कर दूँ उसके बाद आप सभी का जवाब दूंगा, आप कमेंट करते रहिएगा। जहाँ तक दीपक कुमार जी, बहुत खूब आपने, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुनेगा अब वो कंघा माँ के हाथ में आ जाता है, अब उसकी क्या दशा होती है सुनेगा, कि कल माँ जी ने अपने कोमल हाथों से उठाया और सरिस्का के जंगल में खूब पसाया। मैं रोया बिलखा पर, मैं रोया बिलखा पर उन्होंने एक न सुनी, और मेरो पैरों तले जाने कितने जुए मरी। फिर और मुसीबत आई जब दीदी की बारी आई, उनके बाल घने थे झटके बहुत लगे थे, उनके बाल घने थे झटके बहुत लगे थे, मेरा दम जब घुटने को आया तब उसने अपने जुट्टे में मुझको पसाया, कि मेरा दम जब घुटने को आया तब उसने अपने जुट्टे में मुझको पसाया। मुझे बड़ा आनंद आई, आराम तब आया जब दादाजी ने अपने गंजे सिर पे घुमाया। आप कल्पना कीजिए गंजे सिर में हाथ घूमता कितना आनंद की अनुभूति होती, कि मुझे आराम बड़ा आनंद आई आराम जब आया जब दादाजी ने गंजे सिर में मुझे घुमाया। लेकिन मुझे आराम कहाँ था, अगले रविवार कसाई नाय आने वाला था, कि सुनेगा टिप्पणी देखिएगा, कि अगले रविवार की, लेकिन मुझे आराम कहाँ था, अगले रविवार कसाई नाय आने वाला था, उसने सारे परिवार से बाल कटवाया और बेवफा कैंची से मुझे खूब पिटवाया, पर किसी ने मुझे रुला रुला कर पंक्तियाँ वापस रखता हूँ, कि अगले रविवार कसाई नाय आने वाला था, उससे सारे परिवार ने बाल कटवाया और बेवफा कैंची से मुझे खूब पिटवाया। मुझे रुला रुला कर बहुत तड़पाया, पर किसी ने पानी न पिलाया, आखिरी में चाचा ने तो हद कर दी। अब सुनेगा एक और व्यंग आपके बीच में लाया हूँ, कि आखिरी में तो चाचा ने भी हद कर दी, मुझसे ही डाई पुतवा दी, मुझे डाई खाए जा रही थी, बस मानो सांसें अटक रही थी, किसी को मुझ पर दया न आई क्योंकि मैं निर्जीव था मेरे भाई। अब इस कविता के माध्यम से एक संदेश दे रहा हूँ कि किसी को मुझ पर दया न आई क्योंकि मैं निर्जीव था मेरे भाई। अब इस चार पंक्तियों के माध्यम से इस कहानी का शीर्षक, और अगर मैंने जहाँ तक मैंने इसको सही सदुपयोग के कारण इसका शीर्षक देना चाह, सुनेगा कि सजीव है तू, अब वो कंघा मुझसे कह रहा है कि सजीव है तू, सदा सबकी सहायता करना, न हो सहायता उस दिन डूब के मर जाना, और सुन अब की बार मुझे साथ लेकर चलना। अब अगली पंक्ति आप सभी दर्शकों के लिए, सभी श्रोताओं के लिए, कि सजीव है तू, सदा सबकी सहायता करना, न हो सहायता उस दिन डूब कर मर जाना, और अब की बार मुझे साथ लेकर चलना, और जो न बजाए ताली उसे मेरी जगह रख जाना, और जो न बजाए ताली उसे मेरी जगह रख जाना। महेंद्र कुमावत डीके, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, नाइस, बहुत बहुत स्वागत, सभी साथी जुड़ रहे हैं मेरे से, बिल्कुल आप सभी का कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। इस प्रकार से मेरी और भी कई कविताएं हैं, सभी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आप सभी साथियों के साथ। अब एक ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि आज समय भी, सर को क्या पता, सर देवेंद्र सर जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, क्या पता उन्होंने कितना समय रखा था, आगे भी देखता हूँ। भारत देश के प्रति मैं वापस वीर रस की कविताओं में ओज के प्रति आप सभी को वापस लाता हूँ। सुनिएगा कि भारत देश क्या है, कि इतिहास गवाह है
कि इतिहास गवाए हमारी संस्कृति में, नीति श्रृंगार ओज भरा पड़ा है हमारी कविकृति में। एक बात जरा सुन ले, मन के बोले हैं तन के नहीं। एक बात जरा सुन ले, मन के बोले हैं तन के नहीं। विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु थे और रहेंगे, महक ही ऐसी है इस धरती की, महक ही ऐसी है इस धरती में। अब मैं जो चाइना जो अपने देश के गलवा घाटी में शहीद हुए उनके पास लगातार बुरा व्यवहार करता आ रहा है, अजय कुमार तंवर साहब शानदार, बहुत बहुत मुबारक अजय कुमार जी, आप अध्यापक से काम कर रहे हैं, हमें आप पे गर्व है। आप रेतीले दोरो जालोर की धरती से आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद को आपको। अब सुनेगा, चीन को चार पंक्तियों में सबक सिखाना चाहता हूँ और अपने इसका अंदाज लगाना चाहता हूँ। सुनेगा कि चीन को समर्पित चार पंक्तियां, साथियों मेरे सभी साथी जुड़े रहे, कि देश है मेरा तेरा कबाड़ खाना नहीं, कि देश है मेरा तेरा कबाड़ खाना नहीं, धर्मों का संगम है नफरत ही खजाना नहीं। भूल जा में मिटाने के ख्वाब जो तूने देखा है, कि भूल जा में मिटाने के ख्वाब जो तूने देखा है, हर एक सीना फोला दिए तेरा पांच फिट का शरीर नहीं, तेरा पांच फिट का शरीर नहीं। बताइएगा साथियों कमेंट करके। अब मैं आजकल जो युवा पीढ़ी विशेष अपनी जो बहन बेटियां है वो किस ओर रुख कर रही है, उस पर मैंने चार पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है। अगर आप सभी साथियों को अच्छा लगे, मेरी बात से सहमत हो तो ही आप कमेंट करिएगा, वरना मेरी बात से अगर सहमत नहीं हो तो आप मुझे कमेंट मत करिएगा, मैं आपका सबका वैसे ही स्वागत करूंगा। लेकिन जो सहमत है सभी साथी, वो मेरी पंक्तियाँ लिखी मैंने, अपने देश में क्या होना चाहिए, युवा पीढ़ी में महिला अपनी बेटी बहन है वो किस प्रकार से, किस में क्या देखना चाहता हूँ उसके अंदर। सुनेगा कि देश की मिट्टी अब रोली चंदन हो जाए, कि देश की मिट्टी अब रोली चंदन हो जाए, हर तरफ सद्भाव की अब रंगीन होली हो जाए। हे मेरे दाता वर अब यही मांगता तुझसे, कि हे मेरे दाता अब वर यही मांगता तुमसे, लड़कियां छोड़ फिल्में अब रानी झांसी वाली हो जाए, लड़कियां छोड़ फिल्में अब रानी झांसी वाली हो जाए। बताइएगा साथियों कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं अंतिम पंक्तियाँ, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा साथियों, फिर और कभी अगर जनसरोकार मंच स्ट्रॉन्ग अगर चाहेगा कभी भी तो और आपके बीच में लाइव आऊँगा। सुनिएगा एक लास्ट कविता मानो आप इसको, कविता है तो भी बाकी बहुत सारी है लेकिन मैं आज अब इसके ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, और आप सभी के बीच में एक कविता और जो मैंने चुनी है मेरी कविताओं के माध्यम से इस पेज के अंदर, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। सुनिएगा यह अंतिम कविता है, इसके साथ मैं विदाई लूँगा, इसलिए आप सभी साथियों का आभार कि अधिक से अधिक कमेंट करें, शेयर करें और इस कड़ी को आगे जोड़ते रहें। सभी भाइयों का प्यार कि दुनिया में सबसे सस्ता प्रेम है, प्रेम जिसको है वो सभी साथियों से अपने एक साथ जुड़ सकते हैं। सुनिएगा अब जम्मू कश्मीर पे जब धाराएं हटी, वो एक छोटा सा व्यंग रखना चाहूँगा कि जेल में आसाराम जी ने जैसे धारा 370 हटी तो जेल में आसाराम जी खुश हो गए, तो उन्होंने पूछा दो चार आदमी, भाई आप क्यों खुश हो जी, आओ आसाराम जी मिठाइयाँ बांट रहे हैं जेल के अंदर, तो उन्होंने पूछा भाई आप इतने खुश क्यों हो रहे हो, कि धारा 370 हटी है कभी हमारी वाली भी हटेगी। इसी पर मैं कहता हूँ और आगे एक कविता जो देश के सैनिकों को प्रत्येक देशवासी को ये समर्पित है। बहुत सारे लोग हैं देश में जो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते, लेकिन मैं ये मीडिया के लोग भी ऐसे आदमी हैं कि उसको जो आदमी नहीं बोल रहा उसको दिखाते हैं, अरे जो एक आदमी भारत माता की जय नहीं बोल रहा तो मत बोलने दो उसको, देश के 130 करोड़ लोग रोजाना इस मिट्टी को चुनते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, एक आदमी जे गर्दन पे छुई हो तो भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, अरे मत बोलो यार भाई, मेरी मेरी मेरे मुख में माँ सरस्वती की वाणी है तो मैं सरस्वती के भजन गाऊंगा, जिसके मुंह में जैसी वाणी होगी आदमी वैसा ही बोलेगा, अब उसके पास में वाणी नहीं है, वो जानता नहीं है माँ क्या चीज है, कि माँ आत्मा है माँ परमात्मा है, लेकिन नहीं बोल रहे मत बोल। हमारे 130 करोड़ लोग भारत माता की मिट्टी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। सुनेगा यह अंतिम पंक्तियां और 6 5 8 10 12 लाइन की कविता है,
इसके माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। सभी साथी जुड़े रहे, अजय कुमार तंवर साहब ने शानदार लेखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सुनिएगा कि खून भी में राखुल, आप थोड़ा देखिएगा कविता के माध्यम से इसको पढ़ रहा हूँ मैं। कविता के बीच में शायद मैं किसी कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँ तो माफ करिएगा। कि खून भी में राखुल आता उन इतिहासों वाली घटनाओं में, जम्मू कश्मीर को टारगेट करके मैं कविता बोल रहा हूँ। मैं किसी समुदाय विशेष पर कविता नहीं बोलता, मैं देश की बात करूँगा। देश के जो कुरीतियाँ हैं उनके प्रति मेरा सजग रहूँगा, जो देश का है वो सबका है। सुनेगा कि खून भी मेरा खोला था उन इतिहासों वाली घटनाओं में, कि खून भी मेरा खोला था इतिहासों वाली घटनाओं में, भारत माता शिशक रही थी उन कुत्तों के जेहादी नारों में, भारती का हृदय भी पिघल रहा था उस घाटी की हरियाली में, सैनिकों के प्राण भी तड़प रहे थे उस घाटी की दीवाली में, घाटी के तिलकों में रोली चंदन का खतरा मंडराया था, क्या वीर शहीदों ने हम इसलिए ही आजाद कराया था, क्या वीर शहीदों ने हमको इसलिए ही आजाद कराया था। कि सैनिकों को तार तार करने वाले घटनाएं देखी जाती थी, क्या होता था जम्मू कश्मीर की घाटी में, किस प्रकार से लोग वहां पर जाते हैं, आतंकवादी लोग किस प्रकार वहां की जो बोली वाली जनता है, मेरे जैन सिख इस्लाम सभी जैन सिख मुस्लिम हिंदू किस प्रकार से वहां लोगों को आतंकवादियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, उस पर मैं लिखना चाहता हूँ। सैनिकों के साथ क्या दुर्व्यवहार होता था सुनिएगा। कि सैनिकों को तार तार करने वाली घटनाएं देखी जाती थी, तिरंगे की उड़ती राख सैनिकों पे फेंकी जाती थी, कि सैनिकों के तार तार करने वाली घटनाएं देखी जाती थी, तिरंगों की उड़ती राख सैनिकों पे फेंकी जाती थी। इतना कुछ सहकर भी सरकारें मौन हो जाती थी, कि इतना कुछ सहकर भी सरकारें मौन हो जाती थी, शहीदों की चिताएं जल जाती जब तक समीक्षाएं होती थी, कि भारती के दामन पे जो दाग लगाए उन कुत्तों को मत रोटी डालो तुम, कि भारतीय के दामन पे जो जाग लगाए उन कुत्तों को मत रोटी डालो जी, घर घर से अब जल निकलेगा कहने वालों को अब गोली मारो जी, घर घर से अब जल निकलेगा कहने वालों को अब गोली मारो जी। साथियों चार पंक्तियां हो रहे, इसके बाद मैं विदाई दूंगा। सुनेगा इसी कविता की है। जो देश में गद्दार बैठे हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जात समुदाय का हो, मैं उसके बाद में कहना चाहूंगा। सुनेगा कि मत पिलाओ दूध उन सांपों को जो आस्तीन में बिल बनाए बैठे हैं, कि मत पिलाओ उन सांपों को दूध जो आस्तीन में बिल बनाए बैठे हैं, मत करो विश्वास उन भेड़ियों पर जो भेड़ खाए बैठे हैं, तोड़ दो सब रिश्ते उन भाइयों से जो दिल में जे चंद सजोए बैठे हैं, केसर की क्यारी वाली घाटी में बारूद बिछाए बैठे हैं, अब उनको भी समझा दो जिसके मुंह पर राम बगल में छुरी अपनाया है, कि अब उनको भी समझा दो मुंह पर राम बगल में छुरी अपनाया है, कुर्सियां हिला दो उन ठेकेदारों की जिसने भगत सिंह को आतंकवादी बताया है, जिसने भगत सिंह को आतंकवादी बताया है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं राम किशन अग्रवाल आप सभी का धन्यवाद देना अवगत करूँगा। सभी साथियों से निवेदन है कि शेयर करें, कमेंट करें और जन सरोकार मंचों के बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय जय मानव। मेरा एक बात, मेरा परम धर्म बच्चों को ज्ञानवान बनाना और हमेशा दूसरों की सहायता करना है। जय हिंद, जय भारत।